थैंक यू सर, मैं दो मिनट में ही बोलने वाला हूँ। यस जस्ट टू मिनट। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो आया है उसका पूरा समर्थन मैं करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि नई जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसका नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। एक तरह से चंपारण में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था उसकी याद भी इसके ज़रिए रहेगी। दूसरी जो अभी तो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, मेरा एक सजेशन है मंत्री महोदय से, मंत्री महोदय ज़रा सुनिए कि उसका नाम आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देने वाले हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप कर्पूरी ठाकुर जी का नाम दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी 3 बार वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, पिछड़े समाज के थे लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया था, और एक तरह से उनका नाम देना यानी, और बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़ा नाम उनका था, बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, सही माने में गांधी जी के इस पे चलने वाले कदम पे चलने वाले थे। उनका नाम देंगे तो एक एक तरह से इसका ये बहुत अच्छा ये सिग्नल भी अच्छा जाएगा। फिर मैं आज ही मंत्री महोदय को एक लेटर लिखा हूँ, उसके पहले भी लिखा था, यहाँ के टीचर्स एसोसिएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उन्होंने कई बार कंप्लेन की है। यहाँ का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने जो कहा वो सही भाई महापात्रा जी ने कि कई जो वाइस चांसलर है वो किसका भी मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे वाइस चांसलर को ज़रा रजा दीजिए, घर में बिठाइए, अपनी बीवी के साथ रहने दो उनको। वो जिस ढंग से काम करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसीज है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहने के बाद भी वो वैकेंसीज भरने के लिए तैयार नहीं, तो इस तरह का उनका काम चालू है। मैं तो कहूँगा कि वहाँ बड़े पैमाने पर 45,000 टीचर्स की वैकेंसीज है, और जैसे कारखानों में आजकल टेम्पररी वर्कर्स रखते हैं वैसे टीचर्स को 3,000-4,000 पे रखते हैं। और कैसा क्वालिटी एजुकेशन की बात हमारे जयराम रमेश जी ने की, क्वालिटी एजुकेशन कैसा होगा? उसका पेट ही ठीक नहीं भरेगा तो क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा? और वही लेवल के लोग आएंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी यही बात है, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में भी यही बात है, टीचर्स लोग जो बोलते हैं वो आते रहे। और एक गंभीर बात ऐसी है कि OBC स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप को ये दिया था, फंड दिया था, उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, गलत जगह वो इस्तेमाल किया गया है, उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। मैंने आपको मेमोरेंडम दिया है, मैं कहूँगा इतना आप तो करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट क्यों ये सवाल रखने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू मिस्टर हुसैन।